देखिए, हम इस बात को मानने वाले लोगों में से हैं कि जो कोई धर्म को मानता है, जो किसी पुस्तक को मानता है, कोई रामायण को मानता है, महाभारत को मानता है, कुरान को मानता है, जो लोग मानते हैं, जिनकी जहां आस्था है, उस पर कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं, और जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जो लोग गिरजाघर में पूजा करते हैं, जो गुरुद्वारा में मथा टेकते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति सजग हैं और बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि जो धर्म है, ये मंदिर है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ये आपस में एकता का संदेश देता है, आपस में मिलत का, भाईचारा का, प्रेम का संदेश देता है, और इस संदेश को बनाए रखने में हम सब लोगों को कोई टिक्का टिप्पी नहीं करनी चाहिए। किस तरह से आप ज्ञान लेते हैं उनका? नहीं, हम अपनी बात मैंने रखा, वो क्या कह रहे हैं मैंने उनको कहते हुए नहीं देखा, लेकिन किसी भी धर्म अवलंबी को हमारे बातों से ठेस नहीं पहुँचे, इसकी कोशिश हम सब करें। तो क्या लगता है कि उनको भी कोई नसीहत देंगे इस तरह से बयानों से लगातार? अब हम क्या नसीहत देंगे, हम तो ये बात कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, धर्म में आस्था रखने वाले को हमारी बातों से, हमारी भावना से ठेस नहीं पहुँचे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।